यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम देखेंगे मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम को पहले समझते हैं। इस डायग्राम में आपको दो चक्के जैसे दिख रहे होंगे। पहले जो ऊपर में जो गोल जैसा बना हुआ है, तो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोले हैं मोटर, ठीक है। और जो नीचे में अंदर से जो डॉटेड लाइन से जो घेरा किया हुआ है, उसको बोलते हैं पिनियन ऑफ मोटर, ठीक है। जिसको और उसका भी कुछ एक डायमीटर होगा, जिसका डायमीटर को हमने नाम दिया है डी डैश, ठीक है। पिनियन ऑफ मोटर, उसका डायमीटर का नाम है डी डैश। और उस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा पिनियन पे, तो उस फोर्स को हमने माना है एफ डैश, ठीक है। फिर नीचे में एक बड़ा सा सर्कल दिख रहा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉड व्हील। जो बाहर बड़ा वाला है उसको बोलते हैं रॉड व्हील। और जो उसके अंदर एक डॉटेड सर्कल बना हुआ है, जिसको हम लोग ने नाम दिया है गियर व्हील, ठीक है। गियर व्हील का जो डायमीटर होगा वो होगा स्मॉल डी, और रॉड व्हील का जो डायमीटर होगा वो होगा कैपिटल डी, ठीक है। और उस पर भी एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स का नाम है एफ, ठीक है, कैपिटल एफ उस फोर्स का नाम है। और नीचे है ये ट्रैक, मींस इसी ट्रैक पे जो हमारा जो ट्रेन है वो चलेगा। ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे। अब हम देखते हैं टॉर्क फॉर पिनियन, मींस पिनियन के लिए हमें क्या टॉर्क लगाना है। तो पिनियन के लिए जो टॉर्क होगा, तो पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स होता है फोर्स गुना डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो फोर्स है यहाँ पे हमारे पास एफ डैश, ठीक है। डिस्टेंस जो होगा वो होगा डी डैश बाई टू। तो इससे हमने एफ डैश का वैल्यू निकाल दिया। जब हमने एफ डैश को इस साइड किया और टॉर्क फॉर पिनियन, उसमें हमने टी पी को उधर साइड अपोजिट भेजा, तो टू टी पी बाई डी डैश, ये हो गया टॉर्क फॉर पिनियन के लिए। अब देखते हैं पिनियन टॉर्क ट्रांसफ़र टू गियर व्हील, मींस पिनियन टॉर्क जो होगा जब वो गियर व्हील में ट्रांसफ़र हो जाएगा तब क्या होता है। तो उसमें हम लोग गियर व्हील में ट्रांसफर को, इसलिए हमने टी जी लिखा है, और यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया, टी आर लिखा हो, तो वो टी जी ही है। तो टी जी जो होगा वही होगा एफ डैश, फोर्स तो हम लोग का सेम है, फोर्स होगा एफ डैश, और इस बार हम लोग का जो डिस्टेंस होता है वो होता है डी बाई टू, ठीक है, स्मॉल डी बाई टू। तो इससे भी हमने फोर्स निकाल लिया, एफ डैश इक्वल टू टू टी जी बाई डी, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रोड व्हील के लिए। अगर रोड व्हील है तो उसके लिए भी हमने टॉर्क निकालना है, तो उसको हम लोग ने नाम दिया है टी आर, ठीक है। रोड व्हील के लिए टी कैपिटल आर। तो उसमें जो फोर्स लग रहा है वो कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी बाई टू, मीन्स रेडियस लेते हैं ना इसलिए। और इससे हम लोग फोर्स का भी वैल्यू निकाल लेंगे, फोर्स जो होगा हम लोग का निकल जाएगा टू टी आर बाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। अब हम लोग को निकालना है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो हमने आउटपुट पावर जो होगा वो टी आर जो होगा टॉर्क गुना एक्सेलरेशन होगा। टॉर्क जो होगा टॉर्क फॉर रोड व्हील और टॉर्क फॉर गियर व्हील, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो होगा वहाँ पे वो होगा डब्ल्यू आर, ठीक है, वो मेगा आर जो होगा वो डब्ल्यू जी के बराबर होगा, इसलिए हमने वो दोनों को काट दिया। और टी आर जो होगा एफ डी बाई टू, और टी जी जो होगा वो होगा एफ डैश बाई डी, जिसको हमने सॉल्व करने के बाद ओवरऑल हमें ये मिला, ठीक है। इसको फिर हमने सॉल्व किया तो हमको एफिशिएंसी मिल गया एफ डी डिवाइडेड बाई एफ डैश स्मॉल डी। जब हमें ये मिल गया तो हम इससे फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स अब यहाँ पे हमने एफ डैश का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। एफ डैश का वैल्यू आप ऊपर से हमने निकाला था, एफ डैश का वैल्यू आप पुट कर लोगे। तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट किया, फिर वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डी ऊपर है, ठीक है, और नीचे एक स्मॉल डी डैश है, ऊपर एक स्मॉल डी है। तो उसको वो उसका जो होता है वो गियर रेशियो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, उसके जगह हमने स्मॉल आर लगा दिया। तो हमें फोर्स मिल गया मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट के लिए। अब हम देखेंगे ट्रैक्टिव इफर्ट, मीन्स ट्रैक्टिव इफर्ट यहाँ पे क्या होता है। तो ट्रैक्टिव इफर्ट को हम लोग पहले तो उसको डिनोट करते हैं एफ टी से, ठीक है, एफ टी। अब देखते हैं ट्रैक्टिव इफर्ट में, तो ट्रैक्शन इफर्ट इज दैट इफर्ट टू प्रोपुलेट द व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव ट्रेन्स, इट इज़ डिनोटेड बाई एफ टी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन एन, ठीक है। मीन्स ट्रैक्टिव इफर्ट क्या है, ट्रैक्टिव इफर्ट एक ऐसा इफर्ट है जो कि मीन्स ट्रेन का में जो एक चक्का नीचे लगा हो रहा था, जो आप व्हील बोलते हो, ठीक है, वो उसको चलाने में उसको मदद करता है, ठीक है। उसमें जो इफर्ट लगता है उसको हम लोग ट्रैक्टिव इफर्ट बोलते हैं, इसको हम लोग एफ टी से डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन।
अब देखते हैं टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू रन अ ट्रेन, मीन्स कितना ट्रैक्टिव एफर्ट लगेगा एक ट्रेन को चलाने के लिए। तो इसमें जो होता है तीन एफर्ट लगते हैं यहाँ पे, एक होता है ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, जिसको हम लोग एफ ए से डिनोट करते हैं, और होता है ट्रैक्टिव एफर्ट टू ओवरकम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम लोग एफ जी से डिनोट करते हैं, और थर्ड वन इज ट्रैक्टिव एफर्ट टू ओवरकम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रेन, मीन्स एफ आर। मीन्स यहाँ तीन जो हो गए, फर्स्ट होते हैं भाई मैंने बताया लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन के लिए, फिर होता है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए, एंड थर्ड वन इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रेन को ओवरकम करने के लिए। तो हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर एक्सेलरेशन देखते हैं पहले। अगर किस हम लोग का लीनियर एक्सेलरेशन होता है तो फोर्स एफ ए जो होगा वो मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन में होता है, एफ मल्टीप्लाई बाई ए। तो इसमें देखेंगे तो जो वेट होगा ट्रेन का, ठीक है, उसको हम लोग टन में मेज़र करते हैं, वेट ऑफ ट्रेन को हम लोग टन में मेज़र करते हैं। तो एक टन का जो वैल्यू होता है वो होता है 1000 kg, ठीक है। तो W जो होगा वो 1000 kg वो मेगा, ठीक है, kg, और साथ में एक फोर्स लगता है, इसको हम लोग F से डिनोट किए, और मास जो हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा 1000 weight kg। तो इससे हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा अल्फा किलोमीटर आवर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग 1000 रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे रिप्लेस किया 1000 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ किलोमीटर आवर सेकेंड होता है। और फिर हमने आवर को भी सेकेंड में करना है, तो उसके लिए हम लोग 60 × 60, जिसको हम बोलते हैं 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, और जब नीचे वाला जो सेकंड है, नीचे एस है 3600 के पास जो एस है, उसको हम लोग जब ऊपर भेजेंगे तो ऊपर में हम लोग का मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अब हम लोग को फोर्स निकालना है, तो फोर्स में जो होता है 1000 weight kg मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन होता है। तो हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू ओवरऑल हमने निकाल लिया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको ओवरऑल पुट करना है। जब आपको पुट करोगे, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, तो 2277.8 अल्फा डॉट ओमेगा, ठीक है, यूनिट न्यूटन, इतना ही आपको मिल जाएगा। अगर केस हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, हमने तो पहले लीनियर एक्सेलरेशन के लिए देखा, अब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आता है तो उसमें क्या होगा, 10 से 15% रहता है, या फिर ओवरऑल आप 10 से 12% भी रहता है, ठीक है। तो इसमें जो होगा फोर्स, जो होगा फोर्स 277.8 अल्फा वो मेगा ई न्यूटन, ठीक है। डब्ल्यू ई जो है होगा इफेक्टिव वेट होता है। अब देखते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर ग्रेविटी, मीन्स ग्रेविटी के लिए। इसमें समझने वाली बात यह है, अगर ट्रेन हम लोग का नीचे से अगर ऊपर की और ऊंचाई में अगर ट्रेन चल रहा है, ठीक है, नीचे से अगर ऊंचा जा रहा है ट्रेन, या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है ट्रेन, ठीक है, मीन्स तो ऊपर से नीचे से क्या ग्रेविटी लग रहा है, क्या ट्रेन का वेट लग रहा है, इस सब के बारे में इसमें हम देखेंगे। ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर ग्रेविटी एफ जी, तो इसमें जो मास जो होता है वो होगा 1000 weight kg, ठीक है, ठीक है, और जिसका जो जनरली जो हम लोग डिस्टेंस मतलब कि लेते हैं वो लेते हैं 100 meter, ठीक है, जनरली हम लोग यही लेते हैं। तो ऊपर से जो वेट लग रहा है ट्रेन के, ट्रेन जो नीचे अपने वेट लगा रहा है, तो वो W, ठीक है, W cos theta, अगर इस साइड से लेते हैं, अगर इधर से लेंगे नीचे से, ओवरऑल जो होता है कि ये वेट और ये वेट लगभग बराबर ही होता है, ठीक है, और यहाँ के वेट को हम लोग W वो मेगा sin theta लेते हैं। इसे आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर तो यहाँ पे हम लोग का जी हो गया ग्रेडियंट, ठीक है, और जो हाइपोटेनियस जो है जनरली 100 meter ही लेते हैं हम लोग। तो एफ जी जो होगा फोर्स फॉर ग्रेविटी के लिए, तो वो मेगा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे वो मेगा साइन थीटा होता है। तो वेट तो हम लोग का जो होगा वो होगा 1000 वो मेगा साइन थीटा के जी में। तो जो साइन थीटा जो होगा उसके जगह हमने वैल्यू एक निकाल के रखा है, ये वैल्यू हमने निकाला साइन थीटा के लिए, ठीक है, जी बाई 100। तो उस वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है, और फिर ये आपको काट लेना है, जब ये सॉल्व कर लोगे टोटल ऑफ 10 वो मेगा जी के जी मिल जाएगा। और जी का ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको सबको पता है, जी का वैल्यू क्या होता है, 9.81। आपको बस वहाँ वैल्यू पुट करना है, तो आपको ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर ग्रेविटी मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे ट्रैक्टिव एफर्ट टू ओवरकम ट्रेन रेजिस्टेंस,
मीन्स ट्रेन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए क्या अट्रैक्टिव इफर्ट लगता है। तो ट्रेन का रेजिस्टेंस जो होता है वो तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन ऑफ ट्रेन, मीन्स ट्रेन का फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। ट्रेन का ट्रैक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सेकेंड वर्ड इज़ मैकेनिकल फ्रिक्शन, क्या मैकेनिकल फ्रिक्शन है। रोलिंग पार्ट मीन्स ट्रेन के अंदर में जो चक्का वगैरह रहता है, क्या क्या घूमने वाला पार्ट, उस सब पे डिपेंड करता है। फिर ट्रेन का बॉडी, ट्रेन का साइज, जैसे कि वेब 9 है, ठीक है, वेब 12 अभी जो लॉन्च हुआ है नया ट्रेन, उसका 180 टन का वो ट्रेन है, ठीक है, एक टन 1000 किलो होता है, अंदाज़ा लगा सकते हो कितना हज़ार किलो का वो ट्रेन है। अब यहाँ जो ट्रैक्टिव इफेक्ट फॉर रेजिस्टेंस के लिए जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है के डैश प्लस के डैश वी प्लस के 3 वी स्क्वायर, ठीक है, जो इसमें हम आप लोगों को देख रहे होंगे के डैश के 2 के 3 ये सब कांस्टेंट है, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये सब ये कांस्टेंट है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेन एंड ट्रैक, हम लोग ट्रेन और ट्रैक को पे डिपेंड करते हैं। अब देखेंगे आर जो होगा ट्रेन रेजिस्टेंस होगा न्यूटन पे, वी होगा स्पीड किलोमीटर प्रति आवर, और एफ आर होता है यहाँ पे, एफ आर का जो वैल्यू होगा वो होता है डब्लू मल्टीप्लाई बाय आर, इसका यूनिट जो रहेगा न्यूटन पे रहेगा। आर होता है, आर इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ट्रेन, आर यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ट्रेन के लिए, न्यूटन बाय टाइम एन बाय टी एन डिवाइडेड बाय टी। अब देखेंगे टोटल ट्रैक्टिव इफर्ट, अगर ये तो हमने निकाल दिया, अब देखते हैं ओवरऑल टोटल ट्रैक्टिव इफर्ट क्या होगा। टोटल ट्रैक्टिव इफर्ट जो होगा वो एफ ए फिर प्लस माइनस एफ जी प्लस एफ आर, हमने एफ जी के साथ प्लस माइनस क्यों रखा, क्योंकि ट्रेन कभी ऊपर चढ़ता है, कभी ऊपर से नीचे उतरता है, ठीक है, कभी ढलावा रहता है, कभी ऊंचाई रहता है, इसलिए तो ओवरऑल हमने तीनों को जोड़ लेना है, तो आपको टोटल ट्रैक्टिव इफर्ट आपको मिल जाएगा। बस यही है टोटल ट्रैक्टिव इफर्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन के बारे में, ठीक है, और भी बहुत कुछ देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।